अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से पेयजल निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। 3 माह के वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर आक्रोशित पेयजल निगम के कर्मचारियों ने अपने कार्यालय पर आज धरना प्रदर्शन किया। आक्रोशित कर्मचारियों ने कहा कि उनकी राजकीयकरण की मांग आज तक अधूरी ही है। उन्होंने यह भी कहा कि 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा, जिसके बाद 17 मार्च को सभी कार्यालयों में कार्य बहिष्कार के साथ ही तालाबंदी की जाएगी, जब तक वेतन नहीं दिया जाता। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी बैठक हुई थी, उसमें जो भी समझौता हुआ था, उसका कार्यवृत्त जारी हुआ था और 2 माह के अंदर हम लोगों का जो शासनादेश जारी होना था, शासनादेश जारी नहीं हुआ और शासनादेश के अनुरूप हम लोगों को जो वित्तीय नुकसान जो पेयजल निगम को हो रहा है, जो सेंटेज जो डिफरेंस सरकार ने हम लोगों से देने का वादा किया था, वो अभी तक नहीं दिया। वर्तमान में लगभग 4 महीने हो गए जिसमें हम लोगों को वेतन नहीं मिली है, जिसकी वजह से हम लोग काफी आक्रोशित है और इस वजह से हड़ताल कर रहे हैं। देवभूमि न्यूज के लिए रुद्रप्रयाग से हरिंदर नेगी।